अस्सलाम वालेकुम। स्क्विंट के बारे में हमने इंट्रोडक्शन ले लिया था कि सारा कुछ, अब कॉन्सेप्ट्स जो है हमने ले लिए थे। अब कॉन्सेप्ट्स अगर आपको नहीं है तो आपको स्क्विंट की समझ नहीं आएगी, ठीक है। मसल्स की मूवमेंट्स वगैरह, उनकी नर्व सप्लाई वगैरह, और किस तरह से वो जो है वो वर्क करते हैं मसल्स एंड ऑल दैट, वो सब कुछ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे स्क्विंट के बारे में, ठीक है। अब स्क्विंट होती क्या है? स्क्विंट को हम स्ट्रैबिस्मस भी कहते हैं। इट इज़ द मिसअलाइनमेंट ऑफ द विजुअल एक्सिस ऑफ द बोथ आइज, ठीक है। एक हमारे पास ऑप्टिकल एक्सिस होता है ना, जो बिल्कुल सेंटर ऑफ आईबॉल से पास कर रहा होता है, और एक विजुअल एक्सिस होता है। विजुअल एक्सिस वो होता है जिसमें फोविया पे जाके इमेज बन रही होती है। इमेज से लेके फोविया तक का जो हमारे पास लाइन होती है उसको विजुअल एक्सिस कहते हैं, जहाँ पे हमारी विजन फॉर्मेशन होती है। अगर इस विजुअल एक्सिस में कोई मिसअलाइनमेंट आ जाए दोनों आइज की, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज एक्चुअली द स्क्विंट, ठीक है। कि एक की जो हमारे पास आई की विजुअल एक्सिस ठीक हो, अगर दूसरे की ख़राब हो, ठीक है, वो विजुअल एक्सिस उसका जो है वो नॉर्मल ना हो, इसको हम कहते हैं कि मिसअलाइनमेंट हो गई है। कि एक आई की कोई और विजुअल एक्सिस है, दूसरी आई की कोई और विजुअल एक्सिस है, तो इसको हम कहते हैं स्क्विंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द टर्म ऑर्थोफोरिया। ऑर्थोफोरिया मीन्स इट इज़ अ आइडियल कंडीशन, जिसमें क्या होता है जो हमारे अंदर होता है कि विजुअल एक्सिस हमारा जो दोनों आंखों का है वो सिमल्टेनियसली सेम पॉइंट ऑफ फिक्सेशन पे है, ठीक है, कि बिल्कुल नॉर्मल जो कंडीशन होती है जिसमें कोई स्क्विंट नहीं होता उसको हम ऑर्थोफोरिया कहते हैं, सिंपल वर्ड्स में हम ये कहेंगे, ठीक है। अब ये दो हमारे पास टर्म्स होती है, एक ट्रोपिया होता है, एक फोरिया होता है। ट्रोपिया जो होता है ना उसको मैनिफेस्ट स्क्विंट के लिए यूज़ करते हैं, और फोरिया जो होता है उसको हम लेटेंट स्क्विंट के लिए कहते हैं। ट्रोपिया मीन्स के जो स्क्विंट हमें नज़र आ रहा होता है, जिसको देखने से हमें पता चल रहा होता है कि ये बंदा जो है ना भेंगा है, ठीक है, स्क्विंट है इसको। और फोरिया क्या होता है कि ये हमारे पास लेटेंट स्क्विंट होता है, इसमें हमारे पास देखने से पता नहीं चल रहा होता कि ये जो है ना हमारे पास इसको स्क्विंट हुआ हुआ है। वो कैसे पता चलता है कि जब उसकी आंखें फुल थक जाती हैं ना और फटीग हो जाती हैं उसकी आंखें, तब पता चलता है कि इसके अंदर स्क्विंट है, जो कि हमारे पर लेटेंट होता है, छुपा हुआ होता है। तो हम उसकी आंखें जो है जब थक जाती हैं बहुत ज़्यादा, फिर उसकी जो स्क्विंट होता है वो जाहिर होना शुरू हो जाता है, तो इसको हम फोरिया कहते हैं, लेटेंट स्क्विंट। तो ट्रोपिया और फोरिया में जो आपको डिफरेंस आना चाहिए, ट्रोपिया इज़ फॉर द मैनिफेस्ट एंड फोरिया इज़ फॉर द लेटेंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास वर्ड्स हैं हाइपर, हाइपो, एक्सो एंड ईजो, ठीक है। अगर स्क्विंट ऊपर की तरफ होगा तो उसको हम हाइपर कहेंगे, अगर नीचे की तरफ होगा तो हाइपो कहेंगे, अगर नोज़ की तरफ होगा तो उसको हम ईजो कहेंगे, और अगर जो है हमारे पास ईयर की तरफ होगा तो उसको हम एक्सो कहेंगे, ठीक है। अब हम स्क्विंट की जो है वो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि हमारे पास जो है वो दो तरह से हम इसको करते हैं। सबसे पहले हमारे पास लेटेंट स्क्विंट होता है, मैनिफेस्ट स्क्विंट होता है। तीसरी इसकी टाइप होती है सूडो स्क्विंट, ठीक है, इसको हम एपरेंट स्क्विंट भी कहते हैं। सूडो स्क्विंट क्यों कहते हैं? ये आपको बच्चा नज़र आ रहा है, ये देखें, इसके ना दरअसल एपिकेंथिक फोल्ड्स जो है वो प्रोमिनेंट हुए हुए हैं, ठीक है, और हमारे पास जो नोज़ है ना उसकी जो ब्रिज है वो हमें फ्लैट नज़र आ रही है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, इन बच्चों में ना एपिकेंथिक फोल्ड्स प्रोमिनेंट होने की वजह से और फ्लैट ब्रिज ऑफ नोज़ होने की वजह से ना ऐसे लगता है जैसे इनको स्क्विंट है, लेकिन ये होता नहीं है, स्क्विंट होता नहीं है, लेकिन लगता है, क्योंकि ये जो वाइट ऑफ आई होती है ना अंदर की तरफ, ये कैंथस के पास, मीडियल कैंथस के पास, कि हमें थोड़ा मतलब कम नज़र आता है, तो इसकी वजह से हमें लगता है कि ये लोग स्क्विंट वाले हैं लेकिन ये होते नहीं हैं। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज़ द एपरेंट स्क्विंट या सूडो स्क्विंट, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास जो है आती है लेटेंट और मैनिफेस्ट। लेटेंट स्क्विंट मैंने आपको बता दिया, छुपा हुआ स्क्विंट होता है, मैनिफेस्ट जो हमें जाहिर नज़र आ रहा होता है। अब इनके लिए जो टर्म्स यूज़ होती हैं लेटेंट स्क्विंट के लिए, वो तो होता है हेट्रोफोरिया। फोरिया के नाम से आपको पता चल रहा है कि लेटेंट है, ठीक है, और मैनिफेस्ट का जो दूसरा नाम है वो हेट्रोट्रोपिया है, ठीक है। ट्रोपिया इज़ फॉर द मैनिफेस्ट स्क्विंट। मैनिफेस्ट स्क्विंट के आगे से दो टाइप्स होती है, कॉनकॉम्बिनेंट और इनकॉम्बिनेंट। कॉनकॉम्बिनेंट जो होता है उसमें नॉन पैरालिसिस होता है, नॉन पैरालिटिक स्क्विंट इसको हम कहते हैं, और इनकॉम्बिनेंट जो होता है ये पैरालिटिक स्क्विंट होता है। इनके नाम से आपको पता चल रहा है, कॉन्कॉम्बिनेंट मीन्स नॉन पैरालिटिक, मतलब इनमें कोई मसल्स की पैरालिसिस नहीं होगी, जस्ट स्क्विंट होगा, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास इनकॉम्बिनेंट है, इसमें हमारे पास मसल्स की पैरालिसिस होती है, जिसकी वजह से इसको हम पैरालिटिक स्क्विंट कहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द लेटेंट स्क्विंट, व्हिच इज आल्सो नोन एज हेट्रोफोरिया। इसकी टाइप्स कौन कौन सी होती है? ईजोफोरिया हो सकता है, एक्सोफोरिया हो सकता है। हाउ वी डिफाइन इट? एक्चुअली इट इज़ अ कंडीशन विच इज़ हैविंग द डेविएशन ऑफ द आईज, ओके, डेविएशन ऑफ आईज विच इज केप्ट लेटेंट बाय द फ्यूवियल मैकेनिज्म, ओके। कि क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो हमने बायनोकुलर सिंगल विजन अभी देखा है, और उसका सेकेंड स्टेप जो था ग्रेड टू में हमने देखा था कि फ्यूजन हो रही थी हमारी दोनों इमेजेस की, तो एक्चुअली हमारा ब्रेन उसको फ्यूज़ करके रखा होता है। लेकिन जब हम इतनी ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा, कुछ लोग थक जाते हैं ना रात को जब बहुत ज़्यादा, तो उनकी आईज जब थक जाती हैं तो तब एक्चुअली उनकी फ्यूजन जो होती है वो ब्रेक कर जाती है। वो जो सेकेंड ग्रेड वाला होता है ना हमारे पास बायनोकुलर विजन वाला फ्यूजन वाला स्टेप, वो ब्रेक कर जाता है, क्योंकि आंखें इतनी ज़्यादा थक गई होती हैं और ब्रेन इतना ज़्यादा थक गया होता है कि वो फ्यूजन मैकेनिज्म उनका फेल हो जाता है, ठीक है। तो उन केसेस में क्या होता है कि लोगों को उनका जो लेटेंट स्क्विंट होता है, छुपा हुआ स्क्विंट होता है, वो नज़र आना शुरू हो जाता है। तो एक्चुअली इट इज़ अ हिडन स्क्विंट, ओके। सो इट्स कॉमन टाइप्स आर इजोफोरिया एंड द एक्सोफोरिया।
ईजोफोरिया जो होता है ना ये हाइपरमेट्रोपिया वाले लोगों में होता है, और जो एक्सोफोरिया होता है ना वो मायोपिया वाले लोगों में होता है। देखिए ये हमारे मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर नहीं लेटेंट स्क्विंट होता, जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर वाले लोग होते हैं ना उनके अंदर ये वाला लेटेंट स्क्विंट होता है, ठीक है। मतलब ये कि जो हेट्रोफोरिया वाले होते हैं या हमारे पास ट्रोपिया वाले लोग होते हैं, मायोपिया वाले लोग होते हैं ना, एक्चुअली देखें जो हेट्रोमेट्रोपिया वाले लोग होते हैं ना उनके अंदर होता क्या है, सॉरी हाइपरमेट्रोपिया वाले लोग जो होते हैं उनके अंदर देखिए उनकी जो है नज़दीक की नज़र ख़राब होती है। अब जब वो अपनी नज़र ठीक करवाने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाते और कहते हैं हमें तो ग्लासेस नहीं लगानी है, वो उनकी उनको ग्लासेस लगी होती हैं लेकिन फिर भी सही नंबर वाली नहीं लगी हो सकती होती, या उनको सही ग्लासेस उनकी जो है नंबर वाली नहीं दी गई हुई हैं ऐसे ही ना, तो एक्चुअली उन लोगों के अंदर या जो मायोपिक लोग होते हैं जिनकी दूर की नज़र कमज़ोर होती है और वो ग्लासेस नहीं लगाते या डॉक्टर के पास नहीं जाते, और अगर लगाते भी हैं तो उनको नंबर उनका सही नहीं मिला होता, तो उन लोगों के अंदर लेटेंट स्क्विंट छुपा होता है, ठीक है। और हर किसी के अंदर नहीं होता, जिनके अंदर प्रॉब्लम होती है उसको हम रिफ्रैक्टिव एरर से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो जो हाइपर ट्रोपी वाले लोग होते हैं उनके अंदर एक्चुअली आपको पता है ना कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर होती है, और उसमें एक्चुअली हमारे पास कन्वर्जेंट स्क्विंट आता है, कन्वर्जेंट स्क्विंट आता है हाइपरमेट्रोपी वाले लोग। हमने हाइपरमेट्रोपी वाले चैप्टर में जो है वो एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन में इसके बारे में देखा था कि जो हाइपरमेट्रोपी वाले लोग थे उनके अंदर एक्चुअली हमारे पास कन्वर्जेंट स्क्विंट हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वो कन्वर्ज कर करके उनकी आंखें उनकी उनके पास रिफ्रैक्टिव एरर उनका ठीक नहीं होता, तो वो अपनी आंखें कन्वर्ज कर करके देखने की कोशिश करते हैं किसी तरह हमें नज़दीक की चीज़ नज़र आ जाए, नहीं आती ना तो फिर उनको स्क्विंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जो मायोप्स होते हैं वो दूर देखने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको नहीं नज़र आ रहा होता, वो इतनी कोशिश कर रहे होते हैं कि जो है ना बस उनकी आंखें थक जाती हैं, फ्यूजन वाला मैकेनिज्म नहीं होता और वो जो है ना फिर डाइवर्जेंट स्क्विंट के अंदर चले जाते हैं, तो ये एक्चुअली मैकेनिज्म होता है इनका। तो ईजोफोरिया मैंने आपको बताया था, ईजो से आपने याद रखना है कि टूवर्ड्स द नोज़ की हम बात करेंगे, फोरिया मीन्स लेटेंट, ठीक है। तो जो लेटेंट हमारे पास होगा ईजोफोरिया उसका मतलब कि कन्वर्जेंट स्क्विंट हुआ हुआ है पेशेंट को, और जो हमारे पास होता है एक्सोफोरिया इट मींस द लेटेंट स्क्विंट ऐसा है जिसमें डाइवर्जेंट स्क्विंट है, और वो हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया या जो मायोपिया वाले लोग होते हैं उनके अंदर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्लिनिकल फीचर्स की, तो क्लिनिकल फीचर्स इसके वही हैं कि हेडेक होगा पेशेंट को, उसको सही नज़र की ग्लासेस नहीं मिल रही। आपको पता है ना कि जो जिनकी ग्लासेस उनकी नज़र ख़राब होगी उनको पता होगा कि जब उनकी शुरू शुरू में नज़र ख़राब हुई थी जब वो डॉक्टर के पास नहीं गए थे उनको ग्लासेस नहीं लगी थी तो उनको स्ट्रेन सिम्टम्स आते थे, हेडेक होता था उनको। तो इसी तरह इन लोगों के अंदर भी हेडेक होता है, फोटोफोबिया होता है, ठीक है, और इंटरमिटेंट डिप्लोपिया होता है, इंटरमिटेंट स्क्विंट होता है। इसका नाम इसकी जो है ना आपने याद रखना है, इंटरमिटेंट डिप्लोपिया मतलब कि जब कभी कभार होता है, ठीक है, कॉन्स्टेंट डिप्लोपिया नहीं रहता, कभी कभार होता है, और इंटरमिटेंट स्क्विंट के जो है ना कभी कभार हो जाता है स्क्विंट, कॉन्स्टेंट स्क्विंट नहीं रहता, ठीक है, लेटेंट स्क्विंट होता है ना इस वजह से। और उसकी रीज़न मैंने आपको बता दिया कि जब वो लोग थक जाते हैं ना काम कर करके, पूरा दिन वो काम करते रहे और रात को जाके अब वो इतने थक गए, उनकी आंखें इतनी थक गई हैं कि अब जो है ना उनका वो स्क्विंट छुपा होता है बाहर आ जाता है, और उनको जो डिप्लोपिया होता है छुपा हुआ वो भी बाहर आ जाता है, तो इंटरमिटेंट डिप्लोपिया इंटरमिटेंट स्क्विंट होता है। असेसमेंट हम करेंगे इन लोगों की चार तरह से, पहले हम उनकी विजुअल एक्विटी चेक करेंगे, आएंगे आपके पास वो लोग कहेंगे कि जब फॉर एग्जांपल एक मदर होती है ना उसका सिनेरियो बन के आता है, एक मदर है उसका जो बच्चा है ना वो मदर नोटिस कर रही है कि ये बच्चा जो है ना करीब जाके देख रहा है टीवी को, ठीक है, और जब वो ज़्यादा थक जाता है तो उसकी मदर को ना नज़र आना शुरू हो जाता है स्क्विंट, मतलब वो जो छुपा हुआ स्क्विंट होता है ना वो बाहर आना शुरू हो जाता है, तो मदर डॉक्टर के पास लेके आती है ना फॉर एग्जांपल अपने बच्चे को, और आके डॉक्टर को बताती है कि ऐसे ऐसे ये जो है ना कभी कभार इसका स्क्विंट जो है बाहर आ जाता है, छुपा हुआ भहंगा हो जाता है कभी कभी, है ना, मतलब पहले नहीं होता लेकिन जब बहुत ज़्यादा थक जाता है तब मुझे फील होता है कि ये जो है ना भहंगा फील हो रहा है, तो ये डॉक्टर फिर जब डॉक्टर के पास जब लेके आते हैं तो डॉक्टर उनकी प्रॉपर विजुअल एक्विटी चेक करते हैं स्नेलन चार्ट से, और फिर उनके एक्स्ट्रॉक्युलर मूवमेंट्स चेक करते हैं। एक्स्ट्रॉक्युलर मूवमेंट्स क्यों चेक करते हैं के इसलिए कि ताकि पता चल सके तो मसल तो पैरालाइज नहीं है, ठीक है, ये हमने ज़रूर चेक करनी होती है दोनों चीज़ें स्क्विंट के केस में, विजुअल एक्विटी और एक्स्ट्रॉक्युलर मसल। तीसरी चीज़ जो होती है ना वो होती है साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए जो हमारे पास जब हम आए के डॉक्टर के पास जाते हैं ना अपनी नज़र चेक करवाने के लिए, उनको कहते हैं मुझे दूर की नज़र नहीं आ रही है, नज़दीक की नज़र नहीं आ रही, तो वो हमें पता ही करते हैं थोड़ी से आइज़ के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप्स डालते हैं एट्रोपिन के, ठीक है, वो साइक्लोप्लेजिक होता है। वो क्या करता है, एट्रोपिन आपको पता है ना ये साइक्लोप्लेजिक होता है, और ये क्या करवाता है, माइड्रेसिस करवा देता है, मतलब पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन करवा देता है। उससे क्या होता है कि हमारी जो रिफ्रैक्टिव जो हमारा एरर होता है ना वो करेक्टली मेजर होता है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट मेजर होता है, बिल्कुल भी ऊपर नीचे डिफरेंस नहीं आता,
ठीक है, क्योंकि वो हमारी जो देखें असल में हमारी जो एकोमोडेशन हो रही होती है ना, नॉर्मली अगर हमने नज़दीक देखना होता है या दूर देखना होता है तो आपको पता है वो लेंस का एकोमोडेशन सिस्टम होता है, लेंस मोटा हो जाता है या पतला हो जाता है। अब उस लेंस को मोटा या पतला होने से बचाने के लिए रेस्ट ऑफ एकोमोडेशन में रखना होता है कि एकोमोडेशन हमारी आय ना करे, तो उसके लिए फिर ना हम क्या करते हैं, साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन करते हैं, एट्रोपीन के कतरे डालते हैं, पहले ड्रॉप्स डालते हैं, उससे ये होता है कि पैरालिसिस ऑफ अकोमोडेशन हो जाता है और पेशेंट की जो एग्जैक्ट नज़र होती है ना वो चेक होती है, कोई भी ऊपर नीचे का रिफ्रैक्टिव एरर जो है ना वो भी डिटेक्ट हो जाता है पेशेंट का। तो इसलिए हमने ये लाजमी करना होता है, विजुअल एक्विटी, एक्स्ट्राओकुलर मूवमेंट्स एंड साइक्लोप्लेजिक रिफ्रैक्शन। इसके अलावा ये हमारे पास अकोमोडेटिव ओवर अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस ओवर अकोमोडेटिव रेशियो डिटर्मिनेशन होती है। ये क्या होती है, ए सी ओवर ए रेशियो डिटर्मिनेशन। देखिए इस पे हम डिटेक्ट करते हैं कि जो पेशेंट की कन्वर्जेंस एकोमोडेशन की वजह से हो रही है डिवाइडेड बाय जो उसकी एकोमोडेशन असल में है, ठीक है, ये मेजर होती है। अब हमारे पास नॉर्मली जो हम कन्वर्ज कर रहे होते हैं आँखों को वो तो हमारी नॉर्मल है ना, लेकिन जो लोग होते हैं ना ये ज़्यादा कन्वर्ज करने वाले, जो अपनी आँखों को ज़्यादा कन्वर्ज करने की कोशिश करते हैं, स्क्वेंट में ना ज़्यादा कन्वर्ज हो जाती हैं आँखें, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए फिर हम करते हैं। और ऑब्वियसली जो लोग ज़्यादा कन्वर्ज कर रहे होंगे अपनी आँखों को, उनकी ये जो रेशो होगी वो ज़्यादा होगी क्योंकि एकोमोडेशन कन्वर्जेंस ही उनकी ज़्यादा। नेक्स्ट असेसमेंट के बाद ये चार चीज़ें असेस करने के बाद आपने उनकी डायग्नोसिस करनी होती है। डायग्नोसिस में आपके पास कवर अनकवर टेस्ट होता है। कवर अनकवर टेस्ट जो होता है ना, ये दरअसल इसमें जो हम यूज़ करते हैं ना लेटेंट स्क्वेंट में, वो हम अल्टरनेट कवर टेस्ट करते हैं। अब ये जो इसका लिंक है ना वीडियो का, ये मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है, इसको आपको अंडरस्टैंड करने के लिए वो वीडियो देखनी पड़ेगी ताकि आपको ज़्यादा अच्छा क्लियर हो सके। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अल्टरनेट कवर टेस्ट क्या होता है। हम पेशेंट को जो है ना सबसे पहले बिठाते हैं अपने सामने, उसके बाद ना हम ना उसको कहते हैं सामने देखो, ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कवर अनकवर टेस्ट अल्टरनेट कवर टेस्ट करते हैं। हम क्या करते हैं कि जो बारी बारी दोनों आँखों के सामने ना कवर अनकवर कोई 8 times हम उसकी आंखों को कवर अनकवर करते जाते हैं। एक आंख को कवर किया, फिर दूसरी आंख को कवर किया, फिर उस पहली वाली को कवर किया अनकवर। इस तरह क्या होता है कि करते 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 उसका ब्रेन थक जाता है, आंखें थक जाती हैं और एग्जॉस्ट होके उसका जो लेटेंट स्क्विंट होता है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसको भी नहीं पता था कि मुझे स्क्विंट था, लेकिन वो जो है ना डॉक्टर ने जाहिर कर दिया कि तुम्हें स्क्विंट है, तो वो असल में उसका स्क्विंट जो है ना जाहिर होना शुरू हो जाता है। उसकी आंखें इतनी थक जाती हैं, हम कवर करते जाते हैं कवर अनकवर, ब्रेन जो है वो कन्फ्यूज़ हो जाता है और जो है ना उसका लेटेंट स्क्विंट बाहर आ जाता है। इसमें एक्चुअली देखें जब हमने उसको कवर किया होता है ना तो उसकी स्क्विंट अंदर छुपा होता है, जो हमें कवर के नीचे नहीं नज़र आ रहा होता, लेकिन हम जब कवर को रिमूव करते हैं ना तो फिर वो जो आई डेविएट करके अपनी नॉर्मल पोजीशन में जाती है, तो हमें पता चलता है कि वो पहले क्या था। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल के यहाँ पे देखें, जब हमने कवर किया हुआ है ना तो आई जो है ना वो लैटरली मूव की हुई है ईयर की तरफ, ठीक है, और जब हमने कवर को रिमूव किया वो वापस अपनी जगह पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि आई जो है ना उसको स्क्विंट कौन सा था, एक्सोफोरिया था, मतलब कि जो लैटरेंट स्क्विंट है वो कौन सा था, बाहर की तरफ वाला था, एक्सो था। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वीडियो प्रॉपर अगर आपने देखनी है तो 2-3 दफ़ा देख लेना, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक दे दिया आपको। बाकी आपके पास मैडॉक्स रॉड टेस्ट होता है और मैडॉक्स विंग टेस्ट होता है, इन दोनों के सिर्फ आपने नाम लिखने हैं, इसको जो है ना याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, होता है क्या है ये वो। ठीक है, बस ये है कि डिस्टेंस के लिए फोरिया चेक करना है तो वो मैडॉक्स रॉड टेस्ट होता है, और अगर हमारे पास नियर के लिए करना होता है तो उसको मैडॉक्स विंग टेस्ट कहते हैं। फिर हमें ट्रीटमेंट कैसे करना होता है, ऑब्वियसली रिफ्रैक्टिव एरर पेशेंट का लाजमी ठीक करना होता है ताकि उसका स्क्विंट खत्म हो। दूसरा, हमें उसको ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस बतानी होती है ताकि उसकी कन्वर्जेंस इंक्रीज हो। एक्सरसाइजेस होती हैं ताकि पेशेंट जो है ना उसकी कन्वर्जेंस में, मतलब उसको फोकस करना है एक्चुअली। ठीक है, और थर्ड हमारे पास जो है सर्जरी हम करते हैं जब ट्रीटमेंट फेल होता है, लेकिन ये रेयर केसेस में होता है, हम अदरवाइज इसको सर्जरी परफॉर्म नहीं करते। ठीक है।